हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नाथ मस्ती ऑफिशियल पे। मैं हूँ आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु संख्या और परमाणु भार से संबंधित प्रॉब्लम क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने परमाणु संख्या और परमाणु भार को अच्छे से समझा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। ये दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप देख पा रहे होंगे आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, दूसरा दिया हुआ है प्रोटॉन का, और तीसरा दिया हुआ है न्यूट्रॉन, और चौथा दिया हुआ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। दोस्तों आपको मैंने पीछे के क्लास में परमाणु संख्या के बारे में बताया था, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। परमाणु संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और आपने देखा था कि एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट में मैंने बताया था कि परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है, आपका प्रोटॉन की संख्या होता है। क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है। दोस्तों ये आपका एक्चुअल डेफिनेशन होता है, ये आपका क्या होता है, एक्चुअल डेफिनेशन और एक्चुअल फार्मूला। हालांकि आप ये भी कह सकते हो कि सर परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि कोई भी जो परमाणु होता है वो विद्युतता उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब कभी भी आपसे परमाणु संख्या के बारे में चर्चा किया जाए तो जो आपका एक्यूरेट आंसर होगा वो ये होगा कि परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसकी संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किस संख्या का पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। किसका पता चलता है, प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं यही सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। आपको इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मिलेंगे जो कि बहुत ही ईजी रहता है, और तभी तक आपके लिए ईजी रहता है जब आपके पास उसका बेस कंसेप्ट मालूम हो तब। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्या पूछा है कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब कोई भी एलिमेंट है, आपके पास 118 एलिमेंट है, उनमें से कोई भी हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो मेरे मित्र आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और जो आपके आवर्त सारणी में, जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, वो तत्वों के परमाणु संख्या पे ही आधारित है, जिसको मोस्ले ने बनाया था। किसने बनाया था, मोस्ले ने बनाया था। और उन्होंने परमाणु संख्या के बारे में बताया था कि कोई भी जो तत्व होते हैं अगर हम उसको किसी एक टेबल में सजा रहे, जैसे कि आवर्त सारणी में सजा रहे, तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग एक से दूसरे एलिमेंट, दूसरे से तीसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो उन सारे एलिमेंट का जो गुण होता है उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। ध्यान में रखेंगे कि मोस्ले से पहले, मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी से पहले, आपके जितने भी आवर्त सारणी बने थे, चाहे वो आपका मेंडलीफ का हो, हालांकि मेंडलीफ का आवर्त सारणी वो द्रव्यमान संख्या के आधार पे था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का एक तरह से वो नींव था। और साथ ही साथ जब आप और पीछे जाते हैं, जैसे कि आप डॉब्रेनियर ट्राइड्स की बात करते हैं, डॉब्रेनियर के त्रियक नियम का बात करते हैं, या फिर न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का बात करते हैं, तो इन सारे चीज़ों में इन लोगों ने जो कुछ भी थ्योरी दिए थे उस समय तक तत्वों का द्रव्यमान संख्या को बेस मान करके ही चला जा रहा था। लेकिन मेंडलीफ के आने के बाद, मेंडलीफ ने हालांकि द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट जरूर किया, लेकिन उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का नींव रख दिया था। तो उसके बाद मोस्ले ने बताया कि नहीं, आप लोग जो बता रहे हैं वो चीज़ गलत है, किसी भी तत्व का सबसे अभिलक्षणिक गुण या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता वो उसका एटॉमिक नंबर होता, और जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं अगर आवर्त सारणी में उसको सजाया जाए तो एक खास पीरियड के बाद, एक खास समय के बाद सारे तत्वों का जो गुण होता है वो उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो आप इस तरह से क्या कह सकते हैं कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर डी परमाणु
कर्मांक हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपसे जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। मेरे मित्र, आपको मैंने थ्योरी वाले क्लास में भी बताया था कि आपको 1 से 20 तक का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या याद रखना है, और इसके लिए मैंने तरीका भी बताया था कि लगभग जो परमाणु संख्या होता है और जो द्रव्यमान संख्या होता है उसमें दोनों में रिलेशन होता है, और वो ये रिलेशन होता है कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या या किसी भी तत्व का, आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो उसके परमाणु संख्या का लगभग में 2 गुना होता है। बहुत सारे का आपको 2 गुना मिल जाएगा, और बहुत सारे जब आप पढ़ाई के क्रम में आएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। तो हालांकि आप मान के चलेंगे कि परमाणु संख्या का 2 गुना उस तत्व का परमाणु भार होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित तत्व में से किसकी परमाणु संख्या फॉस्फोरस की तुलना में अधिक होगी। एक बात और याद रखेंगे कि 1 से 20 तक का जो तत्व है उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या ये आपकी जुबान पे होना चाहिए, बाकी के सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। हाँ, इसके बाद जो आपसे तत्व पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन में उसका परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या मेंशन किया हुआ रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जब हम लोग फास्फोरस की बात करते हैं तो आपका तुलना फास्फोरस से करना है। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है आप सबों को पता है, 15 होती है, और सर इसका द्रव्यमान कितना होता है तो 31 होता है। ये इसकी परमाणु संख्या है, आप इसका ध्यान में रखेंगे। परमाणु संख्या कितनी है सर? 15, और द्रव्यमान संख्या कितनी है सर? 31। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 31। अब आपसे पूछा है कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में फास्फोरस की तुलना में कौन सा अधिक है, तो मेरे मित्र आपका एल्युमिनियम, आपसे परमाणु संख्या ही पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। सिलिकन आपको मालूम होना चाहिए, इसका परमाणु संख्या 14 होता है। क्लोरीन इसका 17 होता है, और मैग्नीशियम इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फास्फोरस की तुलना में कौन सा अधिक है। मेरे मित्र, फास्फोरस के तुलना में क्लोरीन अधिक है, और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल ये भी। अगर आपको वही बात 1 से 20 तक का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या याद है तो मैं आपको जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा है जरा सा ध्यान देंगे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है। मेरे मित्र, नियॉन का सिंबल क्या होता है? तो आपका Ne होता है, और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 10। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि नियॉन आपका कौन सा गैस है, तो सर अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस की संख्या आपके पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर 6। कौन कौन सा? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडन। एक चीज़ और याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अजनबी तत्व कौन से हैं, तो ज़ेनॉन। ज़ेनॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? अजनबी तत्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका लैटिन में ज़ेनॉन का मतलब क्या होता है? अजनबी होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित तत्व में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है। भाई, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, और ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, अभी जस्ट आपने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा था। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 होता है। बोरोन क्या होता है? 5 होता है। आपसे पूछा है कि नियॉन की तुलना में कौन सा अधिक है। आप देख पा रहे होंगे कि नियॉन की तुलना में मैग्नीशियम क्या है आपका? अधिक है। तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है आपसे? फिर वही क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। ध्यान दीजिएगा, आयरन जिसको हम लोग Fe बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Fe। अच्छा, आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर आयरन को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब होता है लोहा, तो फिर इसको हम Fe से किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि आयरन का जो ये Fe सिंबल लिया गया है ये इसके लैटिन नेम से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन नेम से लिया गया है, और आयरन को हम लोग लैटिन नेम में फेरस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, फेरस, या कहीं कहीं पे आपको फेरम भी देखने को मिलता है, फेरम भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से इसका सिंबल ये Fe आया है, और ध्यान में रखेंगे कि आयरन Fe का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26। आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है, तो आयरन का है 26। नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में मैगनीज, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है आपका, मैग्नीज। तो ध्यान रखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, क्या होता है 25। फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कोबाल्ट, कोबाल्ट का हम लोग सिंबल क्या देते हैं सर, CO, और मैग्नीज का MN, तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। कोबाल्ट का होता है सर 27, कैल्शियम, कैल्शियम का होता है सर 20, और फिर आपका दिया है ऑप्शन क्रोमियम, तो ध्यान में रखेंगे कि क्रोमियम का होता है कितना 24, कितना होता है 24। अब आप खुद देखिए कि लोहा से किसका परमाणु संख्या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर कोबाल्ट का, किसका ज़्यादा है कोबाल्ट का, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो कोबाल्ट ही होगा, क्या होगा कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन, वही सेम आपको, देखिए मैं आपको इस तरह का इतना क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके मन से ये भ्रम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए कि एटॉमिक नंबर से आपको कोई जटिल क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन और नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेरे मित्र इतना आप भरोसा ज़रूर रखेंगे, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि आपने जो क्लासरूम में पढ़ा है जिस क्वेश्चन को, वो डिट्टो आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। बस पेशेंस रख करके आपको नोट्स बनाते चलना है और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते हुए हमेशा चलना है, बाकी का सारा चीज़ आपका सब कुछ अच्छा होगा, बशर्ते कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में और एक सही तरीके से करें, बाकी सब नॉर्मल है। आपका ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, पोटेशियम का होता है कितना, पोटेशियम को हम लोग कहते हैं सर, इसका परमाणु संख्या होता है 19। अब हम पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देंगे के पोटेशियम का कैलियम वर्ड से आया है, ठीक है। और आपका जो सल्फर है इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, और सल्फर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, और फास्फोरस का होता है 15, फास्फोरस को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान में रखेंगे। ये पोटेशियम है, इसका जो लैटिन नेम है ये कहाँ से आया है, तो कैलियम से आया है, किससे आया है कैलियम से, इसीलिए पोटेशियम को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि इसमें किसका ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर कैलियम पोटेशियम का सबसे ज़्यादा है, मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है, तो पोटेशियम का 19 होता है तो इसका क्लोरीन की तुलना में क्या है अधिक है, इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इजी, फिर से आपका पूछा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। मेरे मित्र मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, क्या होता है सर 12 होता है, और नियोन का कितना होता है, अभी जस्ट आपने देखा था नियोन का 10 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, सोडियम, ध्यान दीजिएगा सोडियम को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, तो सोडियम जो है सर इसका लैटिन नेम नैट्रियम, नैट्रियम से आया है, और नैट्रियम को हम लोग इंग्लिश में NaTriUm लिखते हैं, तो यहाँ से ये Na उठा करके सोडियम के बारे में बोलते हैं। और सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 11, और एल्युमिनियम होता है आपका 13। ध्यान दीजिएगा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है, तो मैग्नीशियम 12 है और एल्युमिनियम कितना है 13, तो इसका एल्युमिनियम का क्या है अधिक है, तो आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे अगला क्वेश्चन 8वीं नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है। पहला आपका ऑप्शन है तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, दूसरा ऑप्शन है तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, चौथा तीसरा है आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक, और चौथा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपको जब भी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन की बात करा जाए आपसे, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव होता कैसे है परमाणु में। आपको मालूम है कि कोई भी जो परमाणु होता है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का,
तो ये सोडियम परमाणु है ऐसे, और अगर हम इसी को Na प्लस लिख दिए तो अब ये सोडियम का आयन हो गया। ये क्या हो गया? सोडियम का आयन हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब परमाणु है और आयन है तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसका अंतर हो जाता है। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सोडियम है आपको मालूम है कि इसका परमाणु संख्या 11 होता है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन ही होंगे और 11 आपका प्रोटॉन भी होगा। मतलब क्या कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, लेकिन ये Na प्लस बना रहा है। Na प्लस बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो जब ये परमाणु था तो इसमें इसकी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी वो कितनी थी? 11। अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na प्लस बना लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई परमाणु पॉजिटिव आयन बनाएगा, जब भी कोई परमाणु क्या करेगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। अब हम यहीं पे बात करते हैं सर, निगेटिव अगर हो जाए तब, जैसे कि आप क्लोरीन का परमाणु संख्या आपको मालूम है 17 होगा, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन भी 17 है, टोटल प्रोटॉन भी कितना है? 17। लेकिन आपसे बोल दे कि Cl माइनस क्लोरीन के आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तब आप कंफ्यूज कर जाएंगे। कभी भी कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है मेरे मित्र। ये माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। अब देखिए कि क्लोरीन में पहले से 17 इलेक्ट्रॉन था, जब क्लोरीन आयन बना तो ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 18। मतलब अगर निगेटिव आयन हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और अगर पॉजिटिव आयन हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? घट जाती है। अब देखिए इसका आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि सर जो पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि सोडियम में जो परमाणु संख्या है सोडियम का वो 11 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 11 ही होगा। लेकिन जब ये Na प्लस बना रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो बदलती नहीं है, वो ज्यों का त्यों ही रहेगी। तो जब भी कोई परमाणु पॉजिटिव आयन बनाएगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो प्रोटॉन की संख्या से कम होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होगी? कम होगी। लेकिन क्या लेकिन सर, कि अगर निगेटिव आयन बना रहा हो, अगर क्या कर रहा हो? निगेटिव आयन बना रहा हो, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रोटॉन की संख्या होगी, जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी। प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो यहाँ पे तो घट रहा है जबकि यहाँ पे ले रहा है मेरे मित्र। तो आप प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही होगा, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 17 ही। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जा रही है। मतलब निगेटिव आयन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो आप का ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, और इसी कंसेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा कि ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो आपका ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि ऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आपसे प्रोटॉन की संख्या पूछा जा रहा है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि Cl जब क्या है? उदासीन है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17। लेकिन आयन जब बना रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई। मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या है? कम है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कि ऋणावेशित परमाणु में या ऋणावेशित ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होती है? कम होती है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें होंगे, ऑप्शन ए में दिया है आपका 11 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन, बी में दिया है 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन, सी में दिया है 11 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन एवं 12 इलेक्ट्रॉन, और डी में दिया है 23 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, आपका जो मैंने पीछे फार्मूला बताया था आपको कि सर जो आपका परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है,
और किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक फार्मूला आपको ये मालूम है। दूसरा आपको मालूम है कि द्रव्यमान संख्या को हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस एन कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम लोग ए से करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, मतलब क्या कि ए इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि और उसकी परमाणु संख्या जो जेड है वो कितना है, 11 है। जेड कितना है, 11 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा और कितना प्रोटॉन होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे मित्र। आप यहाँ पे जानते हैं कि आपका जो जेड परमाणु संख्या दिया है वो कितना दिया हुआ है, 11। मतलब ये बात तो पहले से ही फिक्स हो गया कि सर जेड इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या। जेड इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। इसका मतलब जो ये 11 दिया हुआ है परमाणु संख्या, मतलब प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है। तो आप कहेंगे सर सीधे सीधे इसमें प्रोटॉन की संख्या हमको दिख रही है कितनी, 11। तो चलिए आपका एक चीज़ तो निकल गया कि इस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। अब आपका लफड़ा बच रहा है किसका, कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो आपका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी सर 11 ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो गया। क्यों, क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन में द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 23, फिर आपको न्यूट्रॉन की भी संख्या तो मालूम करना है क्योंकि ऑप्शन तो वो भी दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान संख्या आपका 23 है इक्वल टू प्रोटॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर 23 इक्वल टू आप देखिए कि प्रोटॉन आपने कितना निकाला है, तो आप कहेंगे सर 11 निकाले थे, 11 प्लस एन। तो हम यहाँ पे 23 माइनस 11 कर देते हैं, एन कर देते हैं, तो आपका ये कितना हो गया, 12। न्यूट्रॉन कितना हो गया आपका, तो आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन 12 हो गया, प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 हो गया। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, 11 प्रोटॉन है आपके पास, 12 न्यूट्रॉन है आपके पास और 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन हो। बिल्कुल आसान सा सवाल, जितना प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या होगी। तो आपसे परमाणु संख्या पूछा भी जा रहा है, तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहेंगे क्यों हो जाएगा, तो अभी जस्ट आपने पीछे के सेशन में देखा था कि परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, और क्वेश्चन में आपको 10 प्रोटॉन दे दिया है और परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु संख्या 10 ही ना होगा, मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर बी 10 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपसे जो 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या आपको पी कितना दिया हुआ है, 6, और द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको 12। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे, एन इक्वल टू व्हाट, मेरे मित्र ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है, ए आपका 12 दिया हुआ है, ये 6 और एन। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 12 माइनस 6 इक्वल टू एन, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा कि Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। जाहिर सी बात है कि आपका जो लोहा होता है उसका परमाणु संख्या ही 26 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 26 ही होगी। कह रहा है कि Fe2 प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब अगर ये लोहा Fe2 प्लस आयन बना ले तब इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा कि तत्व का जो परमाणु होता है और जो आयन होता है इस दोनों के इलेक्ट्रॉन की संख्या में डिफरेंसेस होते हैं। अब आप कहिएगा कैसे होता है, तो जो आपका Fe है इसमें तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 26,
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 26 ही होगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब ये Fe आपका Fe2+ बन जाए, Fe2+ बनने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे रहे हैं, तभी ना इस पे 2+ चार्ज आया। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सर कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो वह हमेशा पॉजिटिव आयन बनाती है। और आपको मैंने पीछे के सेशन में बताया भी था क्या कि सर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धातु के परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। तो जब वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आदान प्रदान में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो जो भी आपके धातु हैं वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, हमेशा क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और तब जा करके वो क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो यहाँ पे 2+ दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इसका मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अगर यहीं पे जैसे Cl- रहता तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, क्योंकि जो लेता है वो हमेशा निगेटिव में रहता है और जो देता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो ये पॉजिटिव शो कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये दे रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना था, 26, और ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe2+ बना लेता है, मतलब 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते दोस्तों यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस।